हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे एसेरिक स्ट्रेंथ की। तो बच्चों, इसमें आपको अगर एसेरिक स्ट्रेंथ देखना होता है तो उसमें क्या करना है। एसिड क्या होता है बच्चों? जो एच प्लस रिलीज करता है और उसके बाद वो एनायन बनाता है, तो ये स्टेबल होगा तो क्या होगा बच्चों? तो ज़्यादा बनेगा, है ना। इसलिए H प्लस भी क्या होगा? ज़्यादा क्या होगा? रिलीज होगा, ठीक है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यानी कि इसको हम लोग A माइनस को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। अगर एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो कॉन्जुगेट बेस क्या है? एनायन है, है ना। तो इसमें यही है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस क्या बच्चों? एनायन है, तो एनायन का ये जो माइनस चार्ज है ना, इसकी क्या होना चाहिए? साइज ज़्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा साइज का एनायन जैसे एफ माइनस और आई माइनस में ये मोर स्टेबल है, क्योंकि इसकी साइज क्या है? ज़्यादा है। इसलिए एच आई स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज़ कम्पेयर टू एच एफ, ठीक है। तो अगर ये जब बात करते हैं, जब सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, जैसे ए माइनस है ना, तो इसमें क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। तो ई के माइनस चार्ज का बर्डन क्या करेगा? चार्ज का बर्डन कम करता है, ठीक है। तो यही आपको देखना है, यानी कि अगर ये एच ए है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा। कब ज़्यादा होगा? जब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आर माइनस आई माइनस एच, ठीक है। ये कम हो जाएगा अगर यहाँ पे प्लस आर होगा, प्लस एच होगा, प्लस आई होगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इफ़ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा ना, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल। तो ये ज़्यादा होगा अगर कॉन्जुगेट बेस में क्या होगा बच्चों? बेस में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। और अगर ये कम होगा, अगर एसिड में है जिस एच को H प्लस के रूप में निकलना है, ठीक है, जिस H को H प्लस के रूप में निकलना है, ठीक है, वही क्या हो रहा है? वही हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व है, है ना। जैसे ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इसको अगर एसिड की तरह बिहेव करना है तो इस H को निकालना है, ठीक है। तो इसलिए H जो है हाइड्रोजन बॉन्ड में है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? कम हो गया, ठीक है। निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, निकलने के पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों कम होगा। अब बात करते हैं, कुछ इसमें होता है बच्चों, हमने फिनॉल का देख लिया था, ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हम कुछ बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
कार्बोक्सिलिक एसिड की हम एसिडिकेशन देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करना है कि जो भी है बच्चों, जैसे मान लो है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें ये प्लस आई लगा रहा है, इसमें मोर प्लस आई लगा रहा है ना, इसलिए एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। दूसरा है कि जैसे मान लो हम लेते हैं CH3COOH, CL CH2COOH, NO2CH2COOH, ये तो प्लस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लगाएगा ना, माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा C > B > A, ठीक है। अब जैसे बच्चों एक ये है, जैसे स्क्वायरिक एसिड है ना, इसका नाम क्या है, स्क्वायरिक एसिड, OH और OH, और दूसरा क्या है CH3COOH, इसका नाम है स्क्वायरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायरिक एसिड जो होगा ये एसिटिक एसिड से क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर स्क्वायरिक एसिड का अगर हम कंजुगेट बेस बनाते हैं, स्क्वायरिक एसिड का अगर कंजुगेट है ना ये बनाते हैं, यहाँ पे O- आएगा और इधर OH आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लो कि ये इसके साथ क्या बन जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से और भी रेजोनेंस भी है इसमें, है ना। तो एसिड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि एक तो जैसे मान लो आपने लिखा ना RCOO, तो ये OH जो होता है H प्लस के निकलने के बाद यहाँ पे O माइनस का जो चार्ज है दूसरे ऑक्सीजन पे जाता है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। स्क्वायरिक एसिड में ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, ये ऐसे होकर के यहाँ और यहाँ भी जा सकता है, ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन पे भी ये जा सकता है नेगेटिव चार्ज, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन प्लस क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्लस इसमें और क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कारण से स्क्वायरिक एसिड जो होगा वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं बच्चों एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड की, है ना, बेंजोइक एसिड और एसिटिक, ये बहुत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसी में थर्ड लेते हैं बच्चों फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो क्या है कि ये जो ये तो लगा रहा है प्लस आई, ठीक है, और ये क्या लगा रहा है, प्लस आर और माइनस आई, और यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पे ओनली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें डोनेटिंग प्लस विड्रॉइंग है ना बेंजोइक एसिड में, और इसमें कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सी होगा, फिर बी होगा, फिर कौन होगा, ए होगा। तो इसमें क्या है, डोनेटिंग प्लस विड्रॉइंग है ना, दोनों हैं, इसलिए ओवरऑल कम डोनेटिंग होगा ना, विड्रॉइंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp2 कार्बन है, तो फिनाइल का क्या लगता है, माइनस आई फेड, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है बच्चों कि बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब बड़ा, जिसकी साइज बड़ी हो, ठीक है, कोई भी बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग होता है, चाहे
वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाती है। बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ठीक है ना, हमेशा बढ़ जाती है, हमेशा बढ़ जाती है ठीक है। चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाती है ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। समटाइम्स इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ठीक है। मतलब कि जैसे ये बेंजोइक एसिड है और इसको ऑर्थो पे हमने कोई भी ग्रुप लगा दिया, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने COH लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, बी ज़्यादा होगा, या फिर यहाँ पर COH हो गया और यहाँ पे NO2 हो गया ठीक है ना, इधर NO2 हो गया, तब अब भी यही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये तो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तब भी उसकी एस्टिगेशन बढ़ गया, विड्रॉइंग ग्रुप है तब भी ठीक है, ये हमने कहा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, देखो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन क्या लगाता है, प्लस आर इफेक्ट लगाता है ठीक है ना, तो ये OH है। तो अब बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। कारण क्या है, क्योंकि जब ये माइनस बनेगा तो ये इधर से आ जाएगा ठीक है ना। अब इसका अगर हम ये करते हैं कंजुगेट बेस बनाते हैं ओ माइनस, तो ये इधर से आएगा ऐसे, लेकिन ये बेंजीन कहेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन दूंगा, है ना, समझ गए। तो इधर से इलेक्ट्रॉन का आना और इधर से इलेक्ट्रॉन का आना, तो है ना, जो कार्बोनिल ग्रुप है ना CO ग्रुप, अगर ये केवल इधर से इलेक्ट्रॉन लेता अकेले ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, है ना, तब क्या होगा, तब वो उसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। जैसे मान लो कि आपको दो पार्टी अटेंड करनी है, दो पार्टी एक ही दिन में अटेंड करनी है, तो एक पार्टी में आप जितना है ना डिनर करोगे, दूसरे भी पार्टी में जाना है वहाँ भी आपको करना है, तो क्या होगा, किसी एक पार्टी से आप कम है ना फूड को आप कंज्यूम करेंगे, दूसरे पार्टी में भी आपको कंज्यूम करना है, दोनों साइड करना है ना, क्रॉस कंजुगेशन। बट अगर एक ही पार्टी में करनी है वन डे में, तो आप उसी से ज़्यादा टोटल फूड कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। सेम यहाँ भी है, ये जो अगर यहाँ पे बेंजीन ग्रुप फिनाइल ग्रुप है ना, इसमें जो फिनाइल ग्रुप है कह रहा है कि मैं मेरे से भी आपको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज था। तो बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम क्यों है, समझ में आया, तो क्योंकि ये प्लस आर लगा रहा है इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि HCOO माइनस में और इसमें, तो ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है ठीक है, बेंजीन उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है। बट अगर बेंजीन के ऑर्थो पे ही एक बड़ा सा ग्रुप आ जाएगा, एक बड़ा सा ग्रुप यहाँ पे जी, ये बड़ा सा ग्रुप आ जाएगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक बड़ा ग्रुप होता है ना, तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन को कम करना होगा, अगर इसी प्लेन में रहेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा ठीक है, तो रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए ठीक है ना, ये COOH ग्रुप ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा, प्लेन से बाहर चला जाएगा। अब तुम्हें पता है कि रेजोनेंस तभी लगता है जब मॉलिक्यूल क्या होता है, प्लेनर होता है, और इसलिए बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग अपना प्लस आर इफेक्ट
नहीं लगा पाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्थोपेट। अगर मान लो दो, जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा ना, ऑर्थो इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों साइड है ना, एक ही साइड है। अगर जैसे मान लो सी ओ एच हो गया, इधर सी एच थ्री है, इधर क्या है सी ओ एच है, और इधर क्या है सी एच टू सी एच थ्री, तो यही आएगा, ठीक है। जितना बड़ा ग्रुप होगा, यहाँ पर सी ओ एच ठीक है, सी एस थ्री है, और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा दो तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब अब अच्छा, अगर दोनों ऑर्थो इफेक्ट लगा रहे हैं, जैसे मान लो ये सी ओ एच है, यहाँ पे सी एस थ्री लगाया, और इधर क्या है सी ओ एच, और इधर पे, तो ऑर्थो इफेक्ट वाला दोनों लगा रहे हैं, तो अब इसका माइनस आर लगता है, माइनस आई लगता है, तो इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ऑर्थो भी है और ये भी है, ठीक है। तो अब कुछ और एग्जांपल बनाते हैं, जैसे मान लो ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे ओ सी एस थ्री है, ठीक है। क्या ऑर्डर होगा, देखो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसमें माइनस आई मेटा पे है तो केवल माइनस आई, यहाँ पे प्लस आर और माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल डोनेटिंग है बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा एसिडिक डी होगा, तो डी हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट, उसके बाद सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, और लास्ट में कौन होगा, बी होगा। इसे यहाँ पे OH लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस आर माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। अब इसका ऑर्थो इफेक्ट अलग रीजन है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें वही है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, कि जब माइनस बन जाएगा तो ये इसके साथ सिक्स मेंबर रिंग बना लेगा। अब समझ गए, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सी हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट है, उसके बाद बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल डोनेटिंग है, डोनेटिंग ग्रुप क्या कर लेता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, ठीक है। ठीक है, इन पे देखना है ए बी सी और डी, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस आई माइनस आर, यहाँ पे माइनस आई, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक कौन है, सी है, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी होगा, ठीक है बच्चों।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चों बेंजोइक एसिड, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेंजोइक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड और ये है फिनॉल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये तो कार्बोक्सिलिक है ना, ये कार्बोक्सिलिक है और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक है, तो ये एसिड है ना, एसिड ग्रुप है और ये फिनॉल है। ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो एसिडिक है वो कौन है, वो बी है, उसके सॉरी अब देखना है ए और बी में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, अब बेंजीन का जो प्लस आर होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है बच्चों, बताओ क्यों, इसका जो प्लस आर अगर देखोगे तो उतना अच्छा ये नहीं होता है, कारण है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है, किसका, कार्बन का, है ना। तो जब बेंजीन प्लस आर इफेक्ट लगाता है तो कार्बन का ऑक्टेट, ठीक है ना, खोना पड़ता है, इसलिए प्लस आर नॉट गुड, उतना अच्छा नहीं है। बट अगर कार्बोनिक एसिड में जो OH है ना, एक OH देखोगे ये, तो ये अगर प्लस आर लगाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अच्छा प्लस आर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, कि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो OH का प्लस आर मच बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू बेंजीन या फिनाइल का प्लस आर। ठीक है, तो इसमें ए और बी में है ना, ये जो है ये प्लस आर लगा रहा है, माइनस आई लगा रहा है, प्लस आर ख़राब है, ये प्लस आर लगा रहा है ना, प्लस आर बेटर है। ठीक है बच्चों, अच्छा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है उसमें ये वाला तो रेजोनेंस है ही, सब में है ना, जहाँ भी है ये तो है ही, बस इसको ये पीछे से जैसे OH आ गया तो ये थोड़ा सा कह रहा हमारा भी इलेक्ट्रॉन लो, या फिर अगर बेंजीन आ गया तो ये कह रहा हमारा भी इलेक्ट्रॉन लो, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो रही है, क्योंकि ये साइड वाले लोग उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं। फिनॉल में ये वाला रेजोनेंस नहीं है, फिनॉल में तो ये O- आएगा और इस बेंजीन रिंग को लेना पड़ेगा, फिनॉल में वैसी कोई बात नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा कौन होगा, ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक है, ए ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, मतलब बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ग्रेटर देन कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ग्रेटर देन फिनॉल। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन है ना। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि जैसे अगर हम बात करें आपसे कि बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और हम इसको हम कराते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट से, है ना, तो ये तो एसिड तुम्हें दिख रहा है और ये क्या है, बेस है ना, क्योंकि माइनस चार्ज है। अब जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सॉरी प्रोटॉन लूज करेगा बेंजोइक एसिड, और ये क्या बना लेगा, PHCOO-Na+, और ये क्या बन जाएगा, H2CO3। अभी अभी जो बच्चों हमने समझाया कि H2CO3 और बेंजोइक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है, बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड, और इधर क्या है, ये वीकर एसिड। तो रिएक्शन किधर से किधर जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ, है ना, तो नेट रिएक्शन हमेशा किधर जाता है, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाता है, ठीक है, एसिड की तरफ जाता है, जो नेट रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ जाता है, ठीक है। तो बोलते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड रिप्लेसेस वीकर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड सब्स्टिट्यूट्स वीकर एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है किधर जाएगा, ये फॉरवर्ड में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग डिसाइड करेगा किधर, है ना, मूव। जैसे ये मान लो यहाँ पे ये ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ पे 100 न्यूटन है और इधर 10 न्यूटन है, तो समझ सकते हो। तो इधर क्या है,
ग्रेटर फोर्स है, उधर क्या है वीकर लेसर फोर्स है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड की तरफ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा कि बैकवर्ड में जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या होता है ना कि ये लेस स्टेबल होता है, तो ये लेस स्टेबल होगा तो ये H2O प्लस CO2 बना देगा, कुछ देर बाद कार्बोनिक एसिड डिकम्पोज होगा और वाटर और CO2 दे देगा। तो यानी कि इसमें हमें ये समझना है कि जो भी कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो NaCO3 से रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड बनाएगा, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन कौन से सब्सटेंस CO2 लिबरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये आपको समझना है, अगेन मैं लिख रहा हूँ PsCOH प्लस NaHCO3, ठीक है। और यहाँ पे बना PhCOONa प्लस H2CO3, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, और ये क्या है वीकर एसिड है। ये डिकम्पोज होगा H2O प्लस CO2 में, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड में जाएगा क्योंकि क्योंकि बेंजोइक एसिड और कार्बोनिक एसिड में बेंजोइक एसिड क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो इसमें हमें ये समझ लेना है कि जो सब्सटेंस ठीक है ना H2CO3 से स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ठीक है ना, वो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर क्या देते हैं CO2 लिबरेट करते हैं, ठीक है, CO2 लिबरेट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड दैन कार्बोनिक एसिड विल लिबरेट CO2 गैस, ठीक है ना, और रिएक्शन विथ NaHCO3, ठीक। तो तुम्हें यही कंपेयर करना है, जैसे मान लो बच्चों फिनॉल है ना फिनॉल में पिक्रिक एसिड है, जैसे पिक्रिक एसिड क्या होता है 3 NO2 लगा दोगे, ठीक है, तो मैचिंग में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है इंटीजर टाइप। यहाँ पे NaHCO3 कर दिया तो ये क्या कर देगा CO2 को लिबरेट करेगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। 2 NO2 लगा दोगे तब भी ये कार्बोनिक एसिड से क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर हम NaHCO3 लगा देंगे तो भी ये CO2 को लिबरेट करेगा, ठीक है। 1 NO2 अगर हम पैरा पे लगा दे, ठीक है, और NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी ये CO2 लिबरेट करेगा। अच्छा, ऑर्थो पे लगा देंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं NaHCO3 तो ये CO2 लिबरेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या है बच्चों इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये वीकर एसिड है ना। तो ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज है ना अनेबल टू लिबरेट CO2 विथ NaHCO3, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है, तो जो भी हम लेते हैं जैसे मान लो PhCOH हो गया, ठीक है ना, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या PhCOH है ना, बेंजोइक एसिड में कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ठीक है ना, ऐसा कुछ है ना OH और COH, या फिर जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है HNO3, ठीक है, H2SO4, ठीक है, HClO4, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी, ठीक है ना। तो ये सभी जो होते हैं ये क्या होंगे, अगर हम इसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे ये CO2 को क्या करता है बच्चों, लिबरेट करता है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बस कंपेयर करना होगा कि कार्बोनिक एसिड से कौन कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या लगाता है, ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है जिससे इसकी स्टिक स्ट्रेंथ काफ़ी घट जाती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि क्या स्क्वेरिक एसिड लिबरेट करेगा, यस स्क्वेरिक एसिड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एच प्लस निकालने के बाद इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन जाता है, तो इसके अंदर एच प्लस देने की इच्छा क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा CO2 देगा विथ
NaHCO3, ठीक है बच्चों, ये है। अब कुछ और है जैसे बच्चों, जैसे CHCl3 और CHF3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो शुरू में लगता है कि ये है माइनस आई स्ट्रॉन्ग है ना, ये ज़्यादा है ना होना चाहिए, बट इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है, CHCl3 ग्रेटर देन CHF3। तो ये जैसा हम सोचते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वही आते हैं बच्चों जैसा आप सोचते हो और आंसर उसके क्या हो अपोजिट आ जाए। तो रीज़न इसमें है कि इंडक्टिव इफेक्ट से ये डिसाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है ना, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बट फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन है ना अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले नहीं सकता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो Cl है, Cl क्या लगा रहा है, माइनस आई एंड माइनस आर लगा रहा है, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, जहाँ भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा बच्चों वो वाला एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जैसे मान लो जैसे सपोज कर लेते हैं अगर ऐसा दिया है, ठीक है ऐसे, और ठीक है ये है यहाँ पे H है और H है और दूसरा ये है O लगा दिया, ठीक है ना, तो सेम यहाँ भी कौन ज़्यादा एसिडिक है ना, A और B में A ज़्यादा एसिडिक है, A ग्रेटर देन B, क्या कारण है, सेम है कि सल्फर के पास क्या होता है बोलो, वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है, तो ये यहाँ पे ऐसा भी, इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के सेकेंड पीरियड का है तो वो ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के हैं। और भी ले सकते हैं जैसे कि मान लो यहाँ पे है OH है, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया NCH3 CH3 CH3 प्लस, और दूसरा है बच्चों यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे फास्फोरस लगा दिया PCH3 CH3 CH3 प्लस, तो माइनस आई तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है ना, तो यहाँ पे फास्फोरस कैन मेक 5 बॉन्ड, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है, O माइनस, तो फास्फोरस उसको अपने पास पूरी तरह से बुला के रख सकता है ना, क्योंकि इसके पास बहुत सारा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना, इसका जब बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड, तो रेजोनेंस का जहाँ भी रेजोनेंस आ गया उसका इंडक्टिव इफेक्ट से है ना वो तो आगे जाएगा ही जाएगा, तो ऐसा हम यहाँ पे बना सकते हैं, बट नाइट्रोजन के केस में ऐसा अगर हम बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास इतने ऑर्बिटल ही नहीं है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर बना पाए, ये क्या है, रॉन्ग है, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म, ठीक है ना, मोर देन 4 बॉन्ड, मोर देन 4 बॉन्ड, ठीक है, कि नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन क्या होता है, ये होता है 1s2 2s2 एंड 2p3, तो बाहरी शेल में कितने हैं, केवल 4 ही ऑर्बिटल हैं, तो 4 ऑर्बिटल की वजह से ये अधिकतम 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा अमोनियम आयन है ना, तो ये तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा ही नहीं बना सकता, तो ये बच्चों है कुछ एग्जांपल डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का, क्लियर। और कुछ एक दो एग्जांपल करते हैं बच्चों, तो जैसे कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है, जैसे कहा कि ये ए है और ये बी है, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा बच्चों, तो बी ज़्यादा एसिडिक होगा है ना, अच्छा जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो उसका के ए ज़्यादा होता है, और के उल्टा क्या होता है, पी के ए, तो पी के क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कई बार पी के एक ऑर्डर दे देगा, तो बताओ बच्चों अब ए का कॉन्जुगेट बेस देखोगे तो यहाँ पर माइनस बनाओगे, ठीक है ना, तो ये माइनस जो होगा ऐसे आएगा,
अब बी का कॉन्जुगेट बेस देखोगे, ठीक है, तो ये माइनस आएगा एस, ये ज़्यादा स्टेबल है, इक्विवेलेंट डिजॉइंट स्ट्रक्चर यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो ए डैस और बी डैस में कौन ज़्यादा स्टेबल है, बी डैस ग्रेटर दैन ए डैस, इसलिए कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, इसलिए बी ग्रेटर दैन ए ज़्यादा, ठीक है बच्चों। तो पी के ए बोलेगा, तो पी के ए ऑफ ए ग्रेटर दैन पी के ए ऑफ बी, ठीक है। पी के ए मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए होता है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे हमने दे दिया सी ओ एच, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एस एच और एस ओ थ्री एच, ऐसा दे दिया, ठीक है बच्चों। तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, मोस्ट एसिडिक ये है ए बी सी और डी, तो मोस्ट एसिडिक कौन है इसमें, ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद डी, डी होगा, फिर सी होगा, ठीक है बच्चों। तो ए में क्या है ना, एस टू एस ओ फोर का डेरिवेटिव है, तब तो ये तो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक होगा, है ना, इसके अंदर इंटरनल बहुत सारा रेजोनेंस बनने वाला है। और सी ओ एच में भी अगर माइनस बना लोगे तब भी इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा। डी में क्या है, साइज बहुत ज़्यादा है सल्फर की, और यहाँ पे एस पी है, ठीक है ना, ये मतलब है। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे कहा यहाँ पे एस एच है, ठीक है ना, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है और यहाँ पर ओ एच है, तो मोस्ट एसिडिक कौन है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, सबसे ज़्यादा एसिडिक ए है, उसके बाद बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा। अब पी के ए पूछेगा तो ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है, पी के होता है माइनस लॉग ऑफ के, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो पी के उसका कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों है ना, वी कैन सी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। जैसे और एक दो देख लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों हम इसी में पूछते हैं कि इसका है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो के ए बताना है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो एच प्लस निकालने के बाद क्या देखोगे, स्टेबिलिटी देखोगे, तो कॉन्जुगेट बेस बना के देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, ये इसके साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, लेकिन जब इसका बनाओगे, ठीक है, माइनस और ये, तो ये वाला जो होगा ना बच्चों, इसका अगर हम रेजोनेंस बनाते हैं, ये रेजोनेंस जो है वो नहीं बनाना है ऐसे, ठीक है। तो ये है ना, ये आर एस नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन एस पी टू होगा, एस पी टू का मतलब ये क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्या, प्लेनर होगा, तो प्लेन में आना चाहेगा, है ना, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये जो है ना, ये 3D में है ना, 120 पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लार्ज एंगल क्या है बच्चों, स्ट्रेन है, लार्ज एंगल स्ट्रेन है। तो इसमें बच्चों ये ध्यान रखना कि ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, स्पाइरो में ब्रिज हेड, इसमें होता है कि स्पाइरो में, स्पाइरो में ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन पर प्लस या डबल बॉन्ड, प्लस या डबल बॉन्ड नहीं आता है, नहीं आएगा या अनस्टेबल होगा जब रिंग की साइज, जब रिंग की साइज क्या होगा, की साइज लेस देन 8 होगा, ठीक है ना, या लेस देन और इक्वल टू 8 होगा। क्यों, बड़ा साइज होगा तो आ सकता है, क्योंकि वो फ्लैट हो सकता है ना, बड़ा साइज तो स्ट्रेच कर सकता है, छोटा साइज है तो स्ट्रेचेबल नहीं है। तो बाई साइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि sp2 होगा तब, मतलब प्लस होगा तब भी sp2 आएगा, डबल बॉन्ड होगा तब भी sp2 आएगा,
तो उस केस में वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे मान लो यहाँ पर ये ऐसे देखो, ये प्लस रख दो तो ये sp2 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दो, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड तब भी sp2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, हाईली स्टेबल है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन sp2 हो गया तो प्लेनर फ्लैट ज्योमेट्री चाहेगा, फ्लैट हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए आप समझ गए बच्चों, तो इसको हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। तो इस वजह से ए और बी में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो बी, बी का इसका रेजोनेंस आप बना सकते हैं, इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आया, ब्रिज हेड पे नहीं आना चाहिए, है ना। तो बी, बी जो होगा है ना, बी इज मोर एसिडिक देन ए होगा, ठीक है। तो ये सब जो है बच्चों रेजोनेंस वगैरह आपको समझना है और उसी को आपको यूज करना है, क्लियर। तो ये है बच्चों एप्लीकेशन है कि आप रेजोनेंस, हाइपरटेंशन, इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमिनेशन। तो बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें ये होता है ना कि बेस जो होता है, ये होता है लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर देगा, ठीक है ना, लोन पेयर डोनर। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, है ना। कोई भी मंदिर मस्जिद में दान कब करेगा, जब उसके घर पे पैसा होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो आसानी से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तभी ना बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा, ठीक है। अ गुड बेस ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विथ एच प्लस, है ना। बेस को क्या बोलते हैं, बेस जो होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना, बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अच्छा बेस कौन होगा, जो प्रोटॉन से अच्छा बॉन्ड बनाएगा, है ना। यानी कि बेस की साइज क्या होना चाहिए, बेस की साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल एटम ही हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा, आफ्टर टेकिंग एच प्लस, आफ्टर टेकिंग एच प्लस, एच प्लस कंजुगेट एसिड क्या होना चाहिए, बोलो, एसिड स्टेबल होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो ना। आपने कहीं से कुत्ता अपने घर पे लाया और रोज घर वाले उसको मार रहे हैं तो भाग जाएगा बेचारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको उसको घर पे लाए, अगर आप लाए तो घर वाले भी उसको खाना पानी है ना सब कुछ देते रहें। तो आफ्टर टेकिंग एच प्लस कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों ये सारे पॉइंट कई बार कहीं ना कहीं कहीं यूज होते रहेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड, जैसे मान लो आपने कहा ना कि यह है RnH2, ये क्या है, यहाँ पे लोन पेयर, अब ये H प्लस आया कहीं से, ये जो बना ये क्या बना, RnH3, यही क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा बनेगा, कम स्टेबल होगा तो कम बनेगा, है ना। कि आप डॉग पालना, पालने का आप शौकीन है, घर वाले हैं तो आप नहीं पालोगे,
घर वाले उसको रोज डंडे से मार के भगा देंगे, ठीक है। तो जो डॉग आया है वो स्टेबल होना चाहिए आपके घर में, तो जो कंजुगेट एसिड बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा बनेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं ग्रुप में, है ना, पीरियोडिक टेबल पे आ जाते पहले, ग्रुप में क्या होगा, डाउन द ग्रुप घटता है, डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि साइज उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है ना, साइज क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मिल गया अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया फास्फाइन आर्सिन, ठीक है ना, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोस्ट बेसिक कौन है, अमोनिया होगा, उसके बाद फास्फाइन होगा, उसके बाद AsH3 होगा, उसके बाद SbH3 होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये NH3+H+ गोज़ टू NH4+, तो नाइट्रोजन की साइज छोटी है, ठीक है ना, इसलिए हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा। इसका हाइड्रोजन sp3 होता है, इसका लोन पेयर s में है, इसका लोन पेयर s में है, इसका भी लोन पेयर s में है, क्योंकि नीचे जाते हैं तो हाइड्रेशन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये sp3 में है, दो भी होता है, डायरेक्शनल होता है वगैरह वगैरह। तो अभी फिलहाल ये समझो, नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो H+ के साथ बॉन्ड बनाने की इच्छा उनकी कम होने लगती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो हमने कहा कि F- है, Cl- है, Br- है, I-, क्या ये भी बेस है, यस, जिनके पास लोन पेयर है वो सब बेस होंगे, ठीक है। तो कौन अच्छा बेस होगा, कौन हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा, F- अच्छा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये तो बहुत ही ख़राब बॉन्ड बनाएगा, है ना, HI, क्योंकि इसमें साइज में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होगा, नीचे जाओगे घटता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उनकी साइज़ क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे, है ना, लेफ्ट टू राइट, तब क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन जो होगा बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, सॉरी, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन जो होगा वो घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसमें यही आपको समझना है। तो जैसे मान लो आपने कहा कि CH3- है, NH2- है, OH- है और F- है, तो यहाँ पे क्या डिसाइडिंग होता है बच्चों, साइज लगभग सिमिलर होता है ना, सेम होता है, बहुत कम घटता है, ठीक है ना, बहुत कम घटता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिसाइडिंग होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिसाइडिंग होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये आएगा CH3- एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NH2- इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, OH- इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, F- इज ए वीक बेस, ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये है, तो एक तो आप ऐसे समझ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अब आते हैं बच्चों अमाइंस में, ठीक है ना। तो अमाइंस में जैसे मान लो कि अब हम बात करेंगे कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, है ना, कौन अच्छा बेस होगा, जो लोन पेयर डोनर हो, तो लोन पेयर डोनर के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आर प्लस एच और प्लस आई होना चाहिए, ठीक है। और ये घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा अगर यहाँ पे क्या होगा, माइनस आर होगा, माइनस आई होगा, माइनस एच होगा, ठीक है।
अब देखते हैं बच्चों, तो जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन, जैसे मान लो है CH3 CH2 NH2 है और CH3 NH2 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक है ना? तो ये प्लस आई ज़्यादा है, ये प्लस आई कम है, कौन ज़्यादा होगा? तो ए ग्रेटर देन बी। सेकेंड है CH3 CH2 NH2 है, यहाँ पे Cl CH2 CH2 NH2 है, कौन ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा क्योंकि ये तो माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है CF3 CH2 NH2 है, यहाँ पे CF3 दो CF3 लगा दिया, CH NH2 है, यहाँ पे माइनस आई है, माइनस आई ज़्यादा है, दो दो है, इसलिए ये ज़्यादा ऐसे बेसिक होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है CH3 CH2 NH2 है, दूसरा है CH3 CH2, अब हम हाइब्रिडेशन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड NH और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, ठीक है, ये sp3 है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp2 है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये sp है, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब बात करते हैं, अब आते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर NH2 है और यहाँ पर NH2 है, अब ध्यान से देखो, ये तो प्लस आर लगाता है तो ये तो माइनस आर लगा लिया ना, यहाँ पे लोन पेयर क्या हो रहा है, घूम रहा है, लोन पेयर घूम रहा है तो लो आसानी से अवेलेबल नहीं होगा ना, आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, है ना, या अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, ठीक है, लोन पेयर घूम रहा है इसलिए आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। इसमें ये देखना है कि जिस लोन पेयर को देना है, ठीक है ना, उसका उसका डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में, ए और बी में, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहीं पे है, एच प्लस आएगा उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एच प्लस आया घूम के भाग गया, या फिर यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिड बनाओगे तो क्या देखोगे, इस नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, तो अब ये जो एच प्लस होगा यहाँ पे आएगा तो रिपल्शन होगा ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर लोन पेयर, जिस लोन पेयर को देना है वही कहीं और बिजी हो जाए, ठीक है ना, जिस लोन पेयर, जैसे आपको आपको किसी को कोई हेल्प करनी है, पेन देना है और आपका पेन आपके साथ बिजी है, तो देने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ अवेलेबल होगा उतना आसानी से मिलेगा, अगर वो घूम रहा होगा तो आसानी से नहीं मिलेगा, ज़्यादा घूम रहा है तो तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने कर दिया, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, यहाँ पे ये NH2 है, यहाँ पर ये NH2 है, यहाँ पे ये NH2 है, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये है ए बी सी और डी, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है ना, ज़्यादा मैक्सिमम घूम रहा है ना, लोन पेयर मैक्सिमम घूम रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों, वही बात है, जिसको जितना अच्छे से समझा वही उसको अब मज़ा आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आया है, जिसने प्रैक्टिस नहीं की, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ज़्यादा लिख देते हैं, वहाँ मैक्सिमम है ना, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कम घूम रहा है ना, कम घूम रहा है, यहाँ पे लोन पेयर कॉन्सेंट्रेटेड है, वहीं पे है ना, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक
ठीक है, जैसे होता है ना, जैसे मान लो तुमने किसी को मारने के लिए आप गए घर, है ना, वो भाग गया वहाँ से, दूसरे घर गए, वहाँ से भी भागे, तीसरे घर वहाँ से भी, उसके पास चार पांच घर है, वो पकड़े भी नहीं आ रहे, उसको पीट ही नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, है ना, ये घूम नहीं रहा है, वो डर नहीं रहा है, तुम्हीं को पीट देगा जाओगे तो मोस्ट मोस्ट जो बेसिक है वो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। या ऐसे कह लो कि ए में क्या है, माइनस आर लग रहा है, बी में भी माइनस आर लग रहा है, सी में भी माइनस आर लग रहा है ना, यहाँ पे माइनस आर लग रहा है, बेंजीन माइनस आर लगा सकता है, बताया था कि यहाँ पे मिनिमम लग रहा है, इसमें मिनिमम लग रहा है, इसमें मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। अब जैसे बच्चों ये एक जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे कहूँ सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच और एन एच टू, ये ए है और ये बी है, अब एच प्लस को भेजा, कहा कि कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है ना, ए एंड बी में कौन ज़्यादा बेसिक है, तो क्या आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आए कि एक ही मॉलिक्यूल में पूछा है, तो उसमें एच प्लस लगा के देख लो, है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एच प्लस को ज्वाइन करके क्या करेंगे और स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो ज़्यादा ऐसे बेसिक होगा, ठीक है, समझ गए। तो ध्यान से देखो, तो अब हमने सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच और एन एच टू, एक बार हम एच प्लस को ज्वाइन कराते हैं, ठीक है, ए पर और एक बार बी पर। यहाँ आप देखोगे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड क्या होगा, एन एच टू प्लस, ज्वाइन करा लिया और ये एन एच टू। अब बी पे ज्वाइन कराओ, तो बी पे जब ज्वाइन कराओगे ठीक है, अब जब एच प्लस बी पे ज्वाइन हुआ क्या आएगा, देखो सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड एन एच और इधर क्या है एन एच थ्री हो जाएगा, दो तो पहले से था। अब देखो ध्यान से देखो, जब तुमने ए पे ज्वाइन कराया तो क्या लगा, ये बना, अब देखो क्या ये स्टेबल है, ध्यान से देखो क्या इसमें रेजोनेंस है क्या, यस, इसका लोन पेयर, इसके साथ कॉन्जुगेशन, यहाँ पे क्या हुआ सी एस थ्री सी, यहाँ पे एन एच टू डबल बॉन्ड एन एच टू प्लस, ठीक है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, इक्विवेलेंट आर एस बना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ए पे एच प्लस जाएगा तो जो कॉन्जुगेट बेस है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट एसिड है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें यह है कि ए पर एच प्लस ज्वाइन होता है, ज्वाइन करता है तो कॉन्जुगेट एसिड काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, क्योंकि दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब बी पर जब एच प्लस ज्वाइन होता है तो कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, समझ गया। इसलिए कौन ज़्यादा बेसिक हुआ बच्चों, समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए जो होगा बी से ज़्यादा बेसिक होगा। उसी प्रकार देखो बच्चों, ये है एन एच, ठीक है, यहाँ पर एन, ध्यान से देखो, यहाँ भी हमने कहा ये ए है और ये क्या है बी है, तुम्हें याद होगा बच्चों हमने बताया था कि रिंग में ठीक है लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में शामिल नहीं होता है, रेजोनेंस में शामिल नहीं होता।
एक्चुअली में ऐसे कर लो, रिंग में है ना, ये ज़्यादा सही रहेगा, रिंग में sp2 कार्बन पर, sp2 एटम पर प्लस हो या माइनस हो या लोन पेयर हो, ठीक है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना, जैसे ये है, यहाँ पे माइनस चार्ज रख दो, यहाँ पर प्लस चार्ज रख दो, ठीक है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन रख के लोन पे रख दो, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं कि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या रहेगा, यही रहेगा, यही कॉन्सेंट्रेटेड है, यही कॉन्सेंट्रेटेड है। बट ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ देखो ये लोन पेयर से क्या हो रहा है बच्चों, है ना, ए का लोन पेयर, लोन पेयर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी दिलाने में है ना इन्वॉल्व है, ठीक है, दिलाने में क्या है, इन्वॉल्व है। अब देखो जी, ऐसी है ना, कोई ऐसी बात है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कोई है ना अपना किडनी, ठीक है ना, दूसरे को दे सकता है क्योंकि उसके पास दो किडनी है, एक दे सकता है, ठीक है ना, उसको जान बचाने के लिए वो दे सकता है। लेकिन कोई आदमी क्या अपना हार्ट निकाल के दूसरे को दे सकता है, समझिए, एक ही हार्ट है तो उसके बिना तो ज़िंदा रहेगा, तो वो तो नहीं देगा, है ना, वो मजबूरी है, उसको जान से मारना है, अलग चीज़ है, बट वो अपने से नहीं देगा वो, ठीक है ना। तो सेम बात है कि ए का जो लोन पेयर है, वो उस लोन पेयर से 4n+2π डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन ओवर होल रिंग है, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा ए और बी में, है ना, बी जो है वो ज़्यादा बेसिक है क्योंकि बी का लोन पेयर एक जगह रुका हुआ है, अनयूज्ड है, ए का लोन पेयर यूज्ड है, यूजफुल है, वो घूम रहा है, वो एरोमेटिसिटी दिला रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि sp2 कार्बन अगर रिंग पे है, ठीक है ना, या sp2 नाइट्रोजन है, उसके पास अगर लोन पेयर है प्लस चार्ज है, तो रेजोनेंस से उसके उनकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रेजोनेंस से उनके ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो बेसिक स्टैंड कर लोगे। अच्छा, अगर इसमें आते हैं बच्चों, जैसे जो एलिफैटिक एमाइन है ना, एलिफैटिक एमाइन, तो इसमें बच्चों याद रखना 213 और 231, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। अभी क्या है, 213 मतलब 2 degree greater than 1 degree greater than 3 degree greater than अमोनिया, 231 का मतलब 2 degree greater than 3 degree greater than 1 degree greater than अमोनिया, ठीक है, ये तब होता है जब मिथाइल ग्रुप होता है, और ये तब होता है जब ये इथाइल। अब देखो, जब छोटा ग्रुप है तो 213 छोटा नंबर याद करो, बड़ा ग्रुप है तो 231 याद करो, ठीक है। इसका रीजन अमाइन जब पढ़ाएंगे बच्चों तो वहाँ पे हम बता देंगे, फिलहाल अभी इसमें ये समझ लेना कि सॉल्वेशन होता है, जैसे यहाँ पे है CH3NH, ये 2 degree है, ये प्लस आई लगाता है, ठीक है ना, ये प्लस आई, और जब इस पर प्रोटोनेट हो जाता है तो ये पानी के साथ है ना हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, तो इसमें ये दो हाइड्रोजन आ जाता है प्लस, और तो ध्यान से देखो, जैसे इस पर H+ क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, इस लोन पेयर को लेने के लिए आएगा, ये जो लोन पेयर है इसकी तीव्रता इंटेंसिटी ये सब प्लस आई लगा के बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया तो ये आ गया, ज्वाइन हो गया। अब ये ज्वाइन हो गया तो ये स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल है, ये दो प्लस आई लगा रहे हैं, लेकिन इससे एक और ज़्यादा फायदा है कि ये वाटर के साथ क्या बनाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसे भी ये स्टेबल होता है, मतलब जो उसका कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबल होता है, कैसे, वाटर के साथ सॉल्वेशन से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, और ये प्लस आई है, इसलिए क्या होता है कि इसके साथ दोनों, मतलब ये एवरेज, मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों एवरेज होता है,
टर्शरी के साथ क्या होता है कि डोनेटिंग ग्रुप तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, डोनेटिंग ग्रुप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बना पाएगा, समझ गए, कि पानी के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो एक ही बनाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आएगा टर्शरी में, टर्शरी वाले में है ना वो हाइड्रोजन को बुला तो लेंगे, है ना बुला तो लेंगे, वैसे बुला भी नहीं पाते, बताओ क्यों नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि इसको घेर के रखते हैं, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है, तो टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है, और जब ये इसके ऊपर ज्वाइन कर जाएगा तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, है ना, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम दे रहा होता है, इसलिए क्या है बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए हमने कहा कि इसको ऐसे याद रखोगे 213 और 231, मतलब कुल मिला के 2 डिग्री हमेशा क्या होता है स्ट्रॉन्गर बेस होता है वाटर में, ये जो भी है वो किस में है, ये सब एक्वस सॉल्यूशन में, किस में है बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में, और अगर गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है ना, गैसियस स्टेट में तो जैसा तुम सोचते हो प्लस आई डिसाइड करेगा, प्लस आई डिसाइड करेगा, मतलब क्या होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है, तो ये अगर आएगा क्वेश्चन बच्चों कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर हमने कहा ये है NH है, ठीक है, और दूसरा है ये NH2 है ना, तीसरा है अमोनिया, तो कौन ज़्यादा बेसिक है, देखो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये है, तो सिंपली यही कर दो, तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, ऐसे बोल लो, 2 डिग्री को हमेशा क्या करोगे बच्चों ज़्यादा बेसिक बताओगे, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो H+ को बुलाने के लिए वो प्रेरित करेगा, और लेकिन सॉल्वेशन भी तो एक फैक्टर है, तो पानी में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, तो टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, तो ओवरऑल मिला के वो कम हो जाता है, सेकेंडरी में दोनों बैलेंस होता है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। बाकी कुछ एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में